ये सबको 1,00,000 लोगों को हमने पक्का करना है, चाहे वो SP हो, BDC वाले हो, PHE वाले हो। जो 500 रुपए की ट्राली यूपी बनने से पहले मिलती थी, दोबारा वही दोहराए। OPS ओल्ड पेंशन स्कीम, जब आप चीफ मिनिस्टर बनेंगे ये आप दोबारा आप इसको लगाएंगे। कोई ट्रेन नहीं रुकती है जिसमें हमारे जो भी कारोबार है, बाहर के जो लोग आते हैं जनाब, उनको जम्मू जाना पड़ता है। जम्मू कश्मीर का दर्जा दोबारा बहाल हो, और हमारे जो लोग हैं, ये जो लैंड जो है, ये हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हो। आपको पता है जम्मू कश्मीर की राजनीति में जो चेंज होने वाली है थोड़े दिनों के बाद, थानू पता ना जम्मू कश्मीर की राजनीति तब्दील होने जा रही है। कदू भला, ये 6-7 महीने बाद वह आदि ने हथ खड़े करो, हाँ सारे सारे लोग हथ खड़े करो। आजाद साहब भी पता लगा कि ये जड़े लोग न, ये शूरवीर लोग न आजाद साहब के। आजाद साहब की सेना है, आजाद साहब के सिपाही। जम्मू कश्मीर की राजनीति जी थानू पता तब्दील होने जा रही है। ये जम्मू कश्मीर के बिच जनाब, ये जड़ा मिनरल माफिया जड़ा 12 हिंदुस्तान दादा, साढ़े लोकल ठेकेदार, साढ़े लोकल ठेकेदार कोई भी नहीं है बिच, सब बाहर के लोग। हमारे जितने भी बेड्स हैं जहाँ पे, चाहे वो रावी का बेड है, चाहे वो उजबराज का बेड है, चाहे वो बेई नाला है, चाहे वो हमारा बसंतर का नाला है, देव का नाला है, तवी का नाला है, जो भी हमारे बेड्स जो है, ये बाहर से हिंदुस्तान से आके लोग इसका हनन कर रहे हैं जनाब। जब यूटी बनने से पहले जनाब, यूटी बनने से पहले हमें ट्राली जो है, इन गरीब लोग, पसमानदा लोग जब वो मकान बनाते थे 500-600 रुपए की मिलती थी, आज वही ट्राली बाहर के लोग, ठेकेदार हमारे लोग कोई नहीं है जो मिनरल्स के, सब बाहर के लोग काम कर रहे हैं। हमारे लोकल ठेकेदारों को, मिनरल्स को, इस यूटी प्रशासन के जब ये बनी खत्म हो गए हैं। तो मेरी आपसे अर्ज है कि जब हमारा जो दौर आएगा, ये आजाद साहब आप इसका अपने ख्याल रखना है कि हमारे लोकल ठेकेदार, लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स, जो 500 रुपए की ट्राली यूटी बनने से पहले मिलती थी, दोबारा वही दौर आए। आज 10,000 की मिलती है, 8,000 की है ना, हाथ खड़े करो सारे, है नहीं? हाँ, ये ऐसा सारा तब्दील करना जिला आजाद साहब चीफ मिनिस्टर बन दे। आजाद जनाब, ये एक रिक्वेस्ट है हमारी। दूसरी रिक्वेस्ट है, दूसरी प्रार्थना है कि हमारे जम्मू कश्मीर के जितने भी PHE के एम्प्लाई हैं, 1,00,000 के करीब हमारे एम्प्लाईज हैं, जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हैं, 1,00,000 के करीब, चाहे वो PWD का है, ये NRHM वाले हैं, ये SPO BDC वाले हैं, ये PWD में है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, एग्रीकल्चर में, फिजिकल डिपार्टमेंट में, ये जब आपका दौर आएगा ये सबको 1,00,000 लोगों को हमने पक्का करना है, चाहे वो SP हो, BDC वाले हो, PHE वाले हो। ये जनाब आपने इसका, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इनको पक्का करना है, दो चीज। तीसरा, जो हमारे जो एम्प्लाईज हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर के, जिनकी पेंशन बंद हुई है, जब जो रिटायर कोई होता था, तो वो जब रिटायर होने के बाद उसको 25-30-40 हज़ार रुपया, 20 हज़ार रुपया पेंशन मिलती थी, अब वो बंद पड़ी है। आपसे रिक्वेस्ट है, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में OPS ओल्ड पेंशन स्कीम, जब आप चीफ मिनिस्टर बनेंगे ये आप दोबारा आप इसको लगाएंगे। ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं जनाब आजाद साहब। ये हमारा सांबा का रेलवे स्टेशन, जब आप हिंदुस्तान के मंत्री थे, हमारे जो लोग हैं सांबा के एडजाइनिंग एरिया के, गगवाल के, सुंभनड के, जब कोई मरता था हम हरिद्वार में जाते हैं, तो अस्थियां लेके, फूल लेके, तो हमने आजाद साहब से रिक्वेस्ट की, और आजाद साहब ने हरिद्वार के लिए हेमकुंट जो एक्सप्रेस है वो स्पेशल लगाई। आज भी वो सांबा में चल रही है। ये सब आजाद साहब की वजह से है। दूसरा जनाब, जब से यूटी प्रोसेशन बना है, जब से आजाद साहब, हमारी ट्रेन जो है जहाँ पे सांबा में, कोई ट्रेन नहीं रुकती है जिसमें हमारे जो भी कारोबार है, बाहर के जो लोग आते हैं जनाब, उनको जम्मू जाना पड़ता है। हमारी आपसे प्रार्थना है कि जब आप इसके लिए इनिशिएटिव लें कि जो ट्रेनें जो पहले रुकती थी आपके दौर में, जब आप मंत्री थे, चीफ मिनिस्टर थे, जब से ये प्रशासन आया है,
तब से ट्रेनें बंद हुई हैं। एक ही ट्रेन रुकती है हेमकुंड हरिद्वार के लिए जो आपने लगाई है। मैं ज्यादा ना बोलता हुआ, आपको पता है जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं वो तब्दील होने जा रहे हैं। हमें आप सब लोगों को आजाद साहब के ऊपर उम्मीदें हैं। दूसरी बात, जो हमारे लैंड राइट्स हैं महाराजा हरि सिंह जी के टाइम में, महाराजा हरि सिंह जी के समय में 1927 में 28 में 1930 में जो हमें मालकाना हक मिले थे, हमें मालकाना हक मिले थे, हमें स्पेशल स्टेटस मिला था, जो हमारा स्टेटस टूट गया है। जनाब आपसे प्रार्थना करते हैं कि जो हमारा स्पेशल स्टेटस है वो आपको पता ही है। हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें जम्मू कश्मीर के जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए, उसके लिए सर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उसके लिए आप जद्दोजहद करें कि हमें जम्मू कश्मीर का दर्जा दोबारा बहाल हो और हमारे जो लोग हैं ये जो लैंड जो है ये हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हो। जब महाराज हरि सिंह जी थे हमारे 60% जंगल हैं, पहाड़ हैं, दरिया हैं, 40% जो लोग 40% जो आबादी है ये महाराज जी हरि सिंह जी ने इसलिए रखा था कि हम अपने लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, क्योंकि हमारे राजा थे जम्मू कश्मीर लद्दाख के। आपको पता लद्दाख तो तोड़ दिया, अब रह गया जम्मू कश्मीर। तो महाराज जी ने ये इसलिए रखा था कि स्पेशल स्टेटस, कि बाहर के लोग यहाँ पे जमीन नहीं खरीदेंगे, बाहर के लोग यहाँ पे नौकरियां नहीं करेंगे, ये हमारे अपने लोगों के लिए था, ये हमारे अपने लोगों के लिए था ना, हाथ खड़े करो सारे, है ना। तो इसलिए जनाब जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको आप जद्दोजहद करें कि रियासत का दर्जा मिले, नौकरियां हमारे लोकल लोगों जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हो और जगह भी जो हो बाहर के लोग इसको मत खरीदें, हमारे अपने लोगों के लिए हो। और जो हमारी जो बस्तियां हैं, चाहे वो हरियन बस्तियां हैं, दलित बस्तियां, एसटी बस्तियां हैं, मुख्तलिफ जो हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एससी एसटी ओबीसी जो इनकी बस्तियां हैं जहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको मत छेड़ा जाए, क्योंकि गरीब आदमी जो है उसको सिर छुपाने के लिए उसको जगह चाहिए, चाहिए नहीं जगह, हाथ खड़े करो सारे, चाहिए नहीं। तो जहा साहब जम्मू कश्मीर में हम आपसे अपील करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप इसके लिए इनिशिएटिव लें कि ये जो लोग बस्तियों में जो लोग रह रहे हैं उनको बेघर नहीं किया जाए, उनको बेघर नहीं किया जाए।